नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल रश्मिज ऑर्गेनिक गार्डन पर। आप सब जानते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है कुछ दिन में, और बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और रक्षा सूत्र उसे कहा जाता है, और उसके साथ ही कुछ गिफ्ट भी आदान प्रदान होता है। बहन अपने भाई को देती है और भाई अपनी बहन को देता है। तो वो गिफ्ट हम अमूमन नॉर्मली मार्केट से कुछ भी खरीद लाते हैं, या तो कुछ घर में यूज़ होने वाले आइटम्स, या फिर कुछ डेकोरेटिव, या फिर रुपए पैसे भी दे दिए जाते हैं। भाई अपनी बहन को कुछ पैसे दे देता है सप्रेम भेंट के रूप में, कि जो ये त्यौहार है ये मना लिया जाता है। बट हम आज आपसे कुछ एक नया डिस्कस करने आए हैं, कुछ नई बात हम करने आए हैं कि ऐसी कुछ पहल की जाए जैसे कि एक बहुत अच्छा गिफ्ट भी बहन को दिया जाए, और साथ में पर्यावरण का भी जो ध्यान है वो रखा जाए, क्योंकि पर्यावरण में आजकल आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से ही, लगभग 1.5-2 साल हो गया है जब से कोरोना काल चल रहा है, ऑक्सीजन लेवल जो है वो काफ़ी कम हुआ है और काफ़ी किल्लत ऑक्सीजन की पिछले कुछ दिनों में हुई है। तो उसी का ध्यान रखते हुए हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए ये एक नया प्रयास हमारा चल रहा है, और एक नई पहल हमने सोची है कि आप सब भी इसके साथ में जुड़िए और अच्छा लगेगा। तो वो पहल है कि आप अपनी बहन को कुछ जो गिफ्ट देते हैं उनमें जो प्लांट्स हैं वो गिफ्ट करें, जिससे उनके आने वाले जीवन में उनका अच्छा प्रभाव हो। और वो कौन कौन से प्लांट हैं जो गिफ्ट करने की कैटेगरी में आते हैं? सबसे पहले हवा को शुद्ध करने वाले जो प्लांट होते हैं वो आप गिफ्ट दे सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर स्नेक प्लांट आता है। ये दोनों कैटेगरी आप देख रहे हैं, ये वेरीगेटेड है, ये सिंपल वाले जो कैटेगरी है वो आती है। तो ये 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, और इसको आप अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं, अपने घर में किसी भी स्थान पर रख लीजिए, लॉबी में रखिए, बहुत अच्छी ऑक्सीजन का ये प्रवाह इससे चलता रहता है 24 आवर्स। इसी के साथ में पाम आप दे सकते हैं। पाम में एरिका पाम हो गया, फाइकस पाम हो गया, या फिर रिलैक्सटिक पाम हो गया, या फिर लेडी पाम हो गया, बहुत वैरायटी आती है पाम की, वो भी आप गिफ्ट में दे सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। और वो आपको आसानी से नर्सरी में उपलब्ध भी हो जाते हैं, आप खरीद भी सकते हैं उनको वहाँ से, या ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। इसके साथ ही पीस लिली एक बहुत अच्छा पौधा माना जाता है गिफ्ट करने के लिए, और साथ ही ये पौधा भी 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो ये एक पौधा आप गिफ्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर की कैटेगरी पर आता है गुडलक प्लांट, जो अच्छी गुडलक आपके जीवन में लाते हैं। उन प्लांट्स में सबसे पहले ये गोल्डन गोल्डन मनी प्लांट है, ये एक गुडलक प्लांट माना जाता है, और इसको ग्रो करना बहुत ही शुभ माना जाता है घर में। तो ये प्लांट आप गिफ्ट दे सकते हैं, और इसके साथ ही ये इसका तो नाम ही गुडलक है। दूसरा प्लांट आप देख रहे हैं जेड प्लांट, इसको गुडलक प्लांट भी बोलते हैं, जेड प्लांट भी बोलते हैं। इसको भी आप एज ए गिफ्ट अपनी बहन को या बहन अपने भाई को दे सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और साथ में एक और मनी प्लांट की, नॉर्मल जो मनी प्लांट होता है वो आप दे सकते हैं, ये भी एक अच्छा माना जाता है, और अच्छी वाइब्स इनके लगाने से आती हैं वातावरण में, और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है। तो ये गुडलक प्लांट कुछ आप दे सकते हैं। इसके साथ ही एक लक्की बेम्बो आता है, आपने देखा होगा मार्केट में भी मिलते रहते हैं, नर्सरी में तो मिलते ही हैं नॉर्मल, तो वो भी आप अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर की कैटेगरी में आते हैं मेडिसिनल प्लांट। ये प्लांट वो हैं जिनसे आपको कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक बेनिफिट मिलता है, और आप अगर आपके घर में ये प्लांट होते हैं तो कभी ना कभी काम जरूर आते हैं, वैसे तो डेली भी काम आते हैं। आप अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं, अपने जो बॉडी है उसको शुद्ध रख सकते हैं, टॉक्सिक फ्री रख सकते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर तुलसी जी आती है। तुलसी जी वैसे भी घर में आंगन में काफ़ी सदियों से लोग ग्रो कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छी वाइब्स निकलती हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है। और दूसरा इसकी मेडिसिनल जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं तुलसी जी के, तो ये एक आप
अच्छा ऑप्शन है कि आप ये भी गिफ्ट करिए, साथ में ही लेमन ग्रास है उसके भी बहुत बेनिफिट्स हैं, वो भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। साथ में करी पत्ता का जो प्लांट है वो आप गिफ्ट कर सकते हैं, उसके साथ एलोवेरा का प्लांट है वो आप गिफ्ट कर सकते हैं। एलोवेरा बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, आप इसको त्वचा पे लगा सकते हैं, आप इसको इसका जो जेल बनाकर त्वचा पे लगा लीजिए, या फिर एलोवेरा का जूस आप वीट ग्रास में मिलाकर पी लीजिए सुबह खाली पेट, तो उसके भी बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। मेडिसिनल प्लांट में अब आते हैं, इसके बाद घर को सुंदर बनाने में कुछ प्लांट होते हैं, होम डेकोरेटिव प्लांट बोलते हैं उनको, वो प्लांट आप गिफ्ट कर सकते हैं। उस प्लांट में कुछ तो आप देखिए, ये मेरे पास जेड जेड प्लांट है, ये काफ़ी सुंदर लगता है ग्रो करने में, और घर में ये आप अपने घर में कहीं पर भी रखिए, लॉबी में या बाहर पोर्च में या रूम में भी रखिए, वो सुंदर दिखता है ये जेड जेड प्लांट। और विदेशों में तो ये काफ़ी भारी मात्रा में लोग अपने घरों में लगाते हैं, तो यहाँ पर भी अभी शुरू हो गया है, इसको भी लगा सकते हैं आप। इसके साथ ये देखिए, ये लिपस्टिक एग्नोलिमा है, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, और एग्नोलिमा की तो आप बहुत सारी वैरायटी मार्केट में उपलब्ध हैं, अलग अलग कलर में, अलग अलग वेरिएशन में। इसमें ये लिपस्टिक के कलर का वेरिएशन है, तो इसका नाम लिपस्टिक एग्नोलिमा है। ये भी एक अच्छा प्लांट, अट्रैक्टिव प्लांट होता है, और इसको भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। इधर एक रबड़ का प्लांट मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट होता है, इसको जो लीफ है वो बहुत शाइनी होती है, बहुत अच्छी शाइन इनकी पत्तियों पर होती है, तो ये सुंदर लगते हैं घर में रखे हुए, और इनको भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में कुछ सेकुलेंट्स होते हैं, ये हावर्तिया की वेराइटी है सेकुलेंट्स की, ये भी छोटे छोटे प्लांट होते हैं, और इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, काफ़ी कम होती है, तो ये भी आप अपनी घर में लगा सकते हैं, गिफ्ट में दे सकते हैं। और इसके साथ ही कुछ कैक्टस होते हैं जो बहुत सुंदर भी दिखते हैं, वो भी आप गिफ्ट में दे सकते हैं। इसके बाद आती है कि कुछ खुशबू वाले प्लांट जो फ्रेग्रेंस देते हैं, जो घर के वातावरण को बड़ा अच्छा रखते हैं, क्योंकि आप सब देखते होंगे जहाँ पर खुशबू आएगी या इस तरह का माहौल होगा वहाँ पर अच्छी वाइब्स होती हैं और खुशी का माहौल बना रहता है, तो वो प्लांट भी आप ऑप्शन है एक गिफ्ट करने का। तो उसमें आप जैस्मिन का प्लांट ले सकते हैं, वो भी आप गिफ्ट कर सकते हैं, अच्छी खुशबू देता है जैस्मिन। और इसके साथ में आप मोगरा का प्लांट ले लीजिए, मोगरा भी एक अच्छा ऑप्शन है, बेहतरीन फ्रेग्रेंस इसकी आती है। इसके बाद आप रजनीगंधा का प्लांट ले सकते हैं, रजनीगंधा भी एक अच्छी खुशबू प्रोड्यूस करता है, और ये प्लांट जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ खुशबू वाले, ये बहुत अच्छी खुशबू देने वाले प्लांट हैं। इसके बाद आप पारिजात का पौधा ले लीजिए, पारिजात के पौधे के वैसे तो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, इसके जो फूल हैं उसकी भी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात जो है, ये पुष्प शिव जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, भगवान शिव को, तो उनको भी आप अर्पण कर सकते हैं और आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसको भी गिफ्ट अपनी बहन को या बहन अपने भाई को कर सकता है। तो ये सारे प्लांट्स आज हमने आपको बताए हैं जितने भी, कि आप इनको गिफ्ट दे सकते हैं और एक अच्छा अपना योगदान एनवायरनमेंट में अपना दे सकते हैं, इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं कि जो ये बीमारी फैली हुई थी, अभी कुछ थोड़ा इस पर कंट्रोल हुआ है, तो आशा करते हैं कि भगवान से कि प्रार्थना है ये आगे ना आए, इस तरह की कोई बीमारी ना फैले, और ये जो जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हैं, ये सारे प्लांट्स आप अपने आंगन में, अपने घर में उगा कर एक अच्छा एनवायरनमेंट आपके घर का रह सकता है, तो ये सारे गिफ्ट आप अपनी बहन को इस तरह के दे सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको रक्षाबंधन पर्व की, हमारा जितना भी परिवार है ये YouTube फैमिली है, इसको रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा।
इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमस्कार।